बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा 90% लोगों को मिला ऑनलाइन सुविधा का लाभ। पटना में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव। सीएम ने कहा मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं। नालंदा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर किया इशारा, कहा आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव करेंगे काम पूरा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर दिया जवाब, कहा हम लोग अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे, 2024 बड़ी चुनौती। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने साधा निशाना, कहा नीतीश जहां जाते हैं फ्रॉड करते हैं। पटना के डांग बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करने निकले थे अभ्यर्थी, सातवें चरण की बहाली की नोटिफिकेशन की मांग। रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लगाए जमकर नारे। आरा के चर्चित रेप कांड में कोर्ट का फैसला, पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव हुए बरी, साक्ष्य के अभाव में किए गए बरी, 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से हुआ था रेप। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा, भाकपा माले के विधायकों ने किया प्रदर्शन, एनआईए पर मुसलमानों को आतंकी बताकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। दरभंगा में AIMIM नेता नजरे आलम ने मंत्री संजय झा पर किया पलटवार, कहा 17 साल से JDU रही है बीजेपी की बी टीम, मंत्री को AIMIM पर सवाल उठाने का हक नहीं। रांची में IG नटराजन सेक्स कांड की पीड़िता को मारी गई गोली, अरगोड़ा में 3 बदमाशों ने मारी गोली, पीड़िता का इलाज जारी। हजारीबाग में कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, गोला गोलीकांड में MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट का फैसला, कांग्रेस विधायक ममता देवी के लिए बड़ा झटका, ममता देवी का विधानसभा की सदस्यता जाना लगभग तय, रामगढ़ में प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। लोहरदगा में सीएम हेमंत सोरेन ने जिला परिषद कार्यालय में की पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, DCSP सहित तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर 15 दिसंबर को गोड्डा जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। 2024 की तैयारी में जुटी JDU, यूपी और झारखंड में नियुक्त किए प्रभारी, यूपी में श्रवण कुमार और झारखंड के लिए अशोक चौधरी बनाए गए प्रभारी। दिल्ली में बीजेपी सांसद विद्युत बरन महतो ने सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा यह सरकार सिर्फ लूट खसूट के लिए बनी। समस्तीपुर सेंट्रल बैंक से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूट के 54 लाख रुपए के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में स्कूल में छात्रा का शव मिलने के बाद जांच शुरू, फॉरेंसिक की टीम कर रही पूरे मामले की जांच, गार्ड सहित 5 लोगों से पूछताछ। हाजीपुर के चर्चित बस स्टैंड संचालक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, सुपारी लेकर की गई थी हत्या, 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सिवान सदर अस्पताल से फरार शराबी को पुलिस ने दबोचा, फिर से अस्पताल में कराया गया भर्ती, होमगार्ड जवान पर लग रहा था लापरवाही का आरोप। पटना सिटी के चंदौरिया और किला हाउस के पास अवैध शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, अलग अलग इलाकों में बेच रहे थे शराब। जहानाबाद के उंटा सब्जी मंडी के पास आपस में भिड़े 2 पक्ष, एक पक्ष ने दूसरे पर किया धारदार हथियार से हमला, तभी एक छात्र को लगी चोट। नालंदा के दीपनगर में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, घटना की जानकारी मिलने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय में ठेकेदार के कर्मचारी से 9,50,000 रुपए की लूट, स्कॉर्पियो से आए थे बदमाश, रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा में 8 साल की मासूम के मदरसे में उसे हवस का शिकार बनाया गया, आरोपी इमाम को पुलिस ने जेल भेजा, 4 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका के बौसी में 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, सघन जांच अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। बेतिया के मनुपुल थाने के पास शटर काटकर दवा दुकान में चोरी, कैश लेकर भागे चोर, पूरी वारदात CCTV में कैद। जहानाबाद के मखदूमपुर में पुल से गिरकर बाइक सवार युवक की मौत, 1 युवक घायल, घटना के बाद नाराज लोगों ने पुल पर रेलिंग बनाने की मांग। कैमूर के बघीनी कला में घर से लापता 15 साल के लड़के का तालाब में मिला शव, तालाब से बाहर निकाला गया शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा, जांच में जुटी। मधेपुरा जिले के बेलारी में भीषण आगजनी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक, आग के बाद मची अफरा तफरी, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू।
जम्मू में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 2 साल के बच्चे की मौत, 2 महिला घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में करंट लगने से हाथी की मौत, 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आया था हाथी, तभी वह हादसा। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। दुमका के मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की हुई मौत। बरवाडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर हुआ हादसा, रेलवे पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय के में नील गाय की चपेट में आया एक बाइक सवार, हादसे में युवक की मौत। बढ़िया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास हुआ हादसा। सरायकेला जिले के उदयपुर मोड़ के पास हुआ सड़क हादसा, पैदल सड़क पार कर रहे राहगीर को ऑटो ने मारी टक्कर। राहगीर को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में बजरंग दल ने निकाला विशाल जुलूस, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग। लौ जिहाद से लोगों को सावधान रहने की अपील। सरायकेला के असंगी जमालपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अंचल अधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर की गई कार्रवाई। खगड़िया में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेज, सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। 16 दिसंबर से पूरी सुविधा दुरुस्त करने के निर्देश। धनबाद के बलियापुर प्रखंड की रहने वाली दिव्यांग यूट्यूब पर बचा रही धूम, महज कुछ ही सेकंड में बनाया हजारों फॉलोअर। सड़क हादसे में गवा चुकी है पैर। दानापुर में एक वैंक्वेट हॉल में लाखों की चोरी, रिसेप्शन के बाद पार्टी ये सामानों को लेकर चोर फरार हो गए, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर, दिखाए जाने के बाद जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंची है टीम, ठंड से कांपते मरीजों को दिलाए की खबर हमने दिखाई थी। जांच को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा है। राजस्थान के कोटा में सुपौल के अंकुश की मौत के बाद परिजनों में मातम, परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। हॉस्टल के बंद कमरे में मिला था अंकुश का शव। पाकुड़ में मनरेगा राशि गबन करने में नामजद आरोपी गिरफ्तार, कनीय अभियंता को पुलिस ने दबोचा। शेखपुरा सदर अस्पताल में मिशन 60 के तहत मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। पेयजल कक्ष समेत ओपीडी प्रसूति वार्ड में बढ़ाई जा रही है व्यवस्था। पाकुड़ में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, 6 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त, प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप। बांका में महिलाओं ने निजी फाइनेंस कंपनी पर ठगी और फर्जीवाड़े का लगाया आरोप, रोजगार के नाम पर की गई थी रकम की ठगी। कोडरमा के एकमात्र पावर प्लांट में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, एरियर और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। धनबाद में विरोध, बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी को नए बिल्डिंग में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी, कोयलांचल यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग लगभग बनकर है पूरी। पटना में बच्चों के लिए 100 बेड का विशिष्ट कैंसर अस्पताल अगले साल तक बनकर होगा तैयार, महावीर मंदिर न्यास करा रहा अस्पताल का निर्माण। मुजफ्फरपुर में निकाय चुनाव से पहले चुनाव सामग्री बिक्री पर असर, दुकानदारों में निराशा, 18 और 28 दिसंबर को 2 चरणों में है निकाय चुनाव। फाइलेरियल उन्मूलन को लेकर मुजफ्फरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग का अभियान, सदर अस्पताल में फाइलेरिया क्लिनिक का DDC आशुतोष द्विवेदी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जम्मू में संदिग्ध हालत में CRPF जवान की हुई मौत, अचानक बिगड़ी थी जवान की तबियत, खैरा थाना क्षेत्र के भंडारा गांव का मामला। साहिबगंज में गुप्त सूचना के आधार पर बोरियो पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 32 मवेशियों को पकड़ा, तफ्तीश जारी। साहिबगंज में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत, अज्ञात आहत ग्रामीण, ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम कर मचाया हंगामा। बांका में नगर पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, चुनाव में महज 5 दिन का बचा है वक्त, तभी तमाम थानों की पुलिस जांच अभियान कर। छपरा में संगीत में श्रीराम कथा हनुमान जयंती समारोह में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, तरैया के भट्टगाई दक्षिण टोला में आयोजित हो रही है 7 दिवसीय संगीत में श्रीराम कथा। कटियार में ईट भट्टा में बड़ा हादसा, 10 मजदूरों पर टूटकर गिरी चिमनी की बैरल, 1 मजदूर की मौत, 4 मजदूरों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में सड़क हादसे के बाद बवाल, युवक की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, लोगों ने किया नेशनल हाईवे 55 जाम, विरोध प्रदर्शन। कोडरमा में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम पर लूट, पदाधिकारी और ठेकेदार योजना में कर रहे बंदरबाट, संचालक को नहीं हो रहा पूरा भुगतान। लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, सड़क पर वाहनों को रोक कर की जा रही कागजों की जांच। तवांग झड़प पर चीन का पहला बयान आया सामने, चीन ने कहा बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में, LAC पर हालात स्थिर, बातचीत के जरिए सुलझाया जाए मुद्दा। तवांग झड़प पर चीनी विदेश मंत्री मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में है, सीमा विवाद पर हो बातचीत। तवांग झड़प के बीच PM मोदी का बयान, बोले भारत को कोई मिटा और दबा नहीं सकता, अमर बीज है हिंदुस्तान जो कभी मर नहीं सकता।
तवांग झड़प पर राजनाथ सिंह का बयान, लोकसभा में दिए बयान। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ हुई थी झड़प, तवांग में हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। सदन में रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिए। सदन में राजनाथ सिंह ने कहा, पीएलए ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, पीएलए के जवानों ने तवांग में हाथापाई भी की। राजनाथ सिंह ने कहा, झड़प के बाद दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग हुई, भारत के कूटनीतिक स्तर पर भी मामला उठाया। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से झड़प हुई, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तवांग झड़प पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा तवांग पर कांग्रेस राजनीति करना बंद करे, चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया। अमित शाह ने कहा, हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, 1 इंच जमीन भी कब्जा कोई नहीं कर पाया, झड़प के वक्त जवानों ने वीरता दिखाई। तवांग में झड़प के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा हम शांति चाहते हैं, हम राष्ट्रवाद को नहीं भूलते। तवांग झड़प पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 2 दिनों तक देश को अंधेरे में क्यों रखा। चीनी सैनिकों से झड़प मामले में संसद में खड़गे ने कहा, सीमा पर चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा। तवांग झड़प पर लोकसभा में जोरदार हंगामा, विपक्षी दलों ने सांसदों ने किया हंगामा। राज्यसभा में भी उठा तवांग झड़प का मुद्दा, विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प, तनाव के बाद हुई फ्लैग मीटिंग। एलएसी पर 9 दिसंबर को ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प, आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिक घायल। 9 दिसंबर की झड़प में चीन के ज्यादा सैनिक घायल, भारतीय सैनिकों की जाबाजी से पीछे हटे चीनी सैनिक। एलएसी पर झड़प को लेकर देश भर में चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा, जम्मू कश्मीर में लोगों ने चीन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। चीन सीमा पर तनाव को लेकर संसद भवन में पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, सरकार के रुख को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई चर्चा। संसद पर आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी, पीएम मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सोपोरा में IED मिलने से हड़कंप, बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे आतंकी। आक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन, देहरादून में वन विभाग ने 15 मजदूरों मजारों को किया है ध्वस्त, अवैध रूप से जंगल में बनाई गई थी मजार। बरेली में फिर हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने, युवक पर फायरिंग करते वीडियो वायरल, देसी कट्टे से युवक ने की थी फायरिंग। लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, एक शख्स ने की थी कई राउंड फायरिंग। कर्नाटक के बागलकोट में रिश्ते का कत्ल, बेटे ने की पिता की हत्या, गुनाह छुपाने के लिए शव को 15 टुकड़ों में कर बोरवेल में फेंका, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस के उड़े परखच्चे, स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। जौनपुर में बेखौफ बदमाशों ने सभासद कुमारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान सभासद की मौत, पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी से लूटे 5 लाख रुपए, बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप। जौनपुर में पैसे को लेकर विवाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी और कार सवार में मारपीट, कार सवार लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। बांदा में लव जिहाद का नया मामला आया सामने, लड़की ने धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, बहला फुसलाकर लड़की को भगाने का भी आरोप, पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, टकराने के बाद गाड़ी को रेप, पड़कच्चे सीसीटीवी में कैद वारदात। आगरा में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर पलटी प्राइवेट बस चपेट में, बाइक आने से 3 लोगों की मौत, बस में सवार यात्रियों को भी आई हल्की चोटें। चंदौली में घर के बाहर खड़ी 3 बाइक संदिग्ध परिस्थितियों में चलकर हुई खाक, घर में सो रहे थे लोग, भनक तक नहीं लगी, जांच में जुटी पुलिस। काबुल में होटल पर आतंकी हमले का नया वीडियो सामने आया, जान बचाने के लिए खिड़की से युवक ने लगाई थी छलांग। कर्नाटक में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी लव जिहाद स्क्वाड बनाने की मांग, बेंगलुरु में हिंदू संगठनों ने किया अभियान शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी ने जालौन के बैंक खाते किए ट्रेस, करोड़ों के लेन देन पे कार्रवाई।